हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास ऑन सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। तो आप में से जितने लोग मुझे सोशल सिक्योरिटी पे एक लेक्चर बनाने के लिए बोल रहे थे, इस पर्टिकुलर चैप्टर को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, जो कि है आपका चैप्टर नंबर 7, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। बहुत ही ब्रीफ तरीके से हम इसमें से इम्पॉर्टेंट पार्ट्स को कवर करेंगे। सोशल सिक्योरिटी का जो कंसेप्ट है इंडिया में, वो बहुत पहले से है वैसे तो, लेकिन इससे रिलेटेड जो रूल्स रेगुलेशंस और इसको प्रॉपर इंस्टीट्यूशनलाइज करने का जो कंसेप्ट है, वो बहुत ही रीसेंट समय में किया गया है। द रिल्म ऑफ सोशल सिक्योरिटी मेजर्स नीड टू बी स्टडीड इन टू पार्ट्स। वो टू पार्ट्स कौन कौन से हैं? वन, द फंडामेंटल्स और प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व्ड एलोंग विद द मूवमेंट एंड इवोल्यूशन ऑफ द कंसेप्ट। मतलब किस तरीके से आपका ये इवॉल्व हुआ है, इसके पीछे के फंडामेंटल्स और प्रिंसिपल्स क्या है। एंड सेकेंड, स्कैनिंग डिफरेंट लेजिस्लेशंस ऑन सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया विद द डिटेल्ड डिस्कशन ऑन द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। सो वी आर मोर इंटरेस्टेड इन द सेकेंड पार्ट, ओके, जो कि है हमारा कि डिफरेंट लेजिस्लेशंस इसमें क्या क्या है, इस पार्ट को हम इस क्लास में देखेंगे। द व्यू ऑफ द इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड वॉर टू ऑन लेबर इन इंडिया। The government of India accepted the principles of health insurance and passed Employee State Insurance Act in April 1948. तो वर्ल्ड वॉर टू कब से चला? 1939 से लेके 1945 तक चला आपका वर्ल्ड वॉर टू, और वर्ल्ड वॉर वन चला 1914 से लेके 1918 तक। तो इसमें क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर टू में फिर से मास किलिंग्स हुए, बहुत सारे लोग के इसमें जान गए, और उसके बाद यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस चीज़ को, ऑब्वियसली यहाँ पे 1947 में इंडिपेंडेंस हो गया था, और 1948 में क्या पास हुआ था, ये हमें पॉइंट नंबर वन जो याद रखना है, दैट इज एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट आया था अप्रैल 1948 में। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल रहे हैं, ईएसआई स्कीम बोल रहे हैं। ईएसआई स्कीम इज द फर्स्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम इन साउथ ईस्ट एशिया। तो पूरे साउथ ईस्ट एशिया में जो सबसे पहला हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है वो है ईएसआई स्कीम, ठीक है। नेक्स्ट इज, दो द स्कीम टू बिगिन विथ वॉज नॉट वेरी कॉम्प्रिहेंसिव वन, बिकॉज ऑब्वियसली इट वॉज द फर्स्ट वन, इट हैज बिकम द कॉर्नर स्टोन ऑफ सोशल सिक्योरिटी फॉर इंडस्ट्रियल लेबर इन इंडिया। अब हमें देखना है कि सोशल सिक्योरिटी मूवमेंट इन इंडिया क्या क्या है, मतलब जो फर्स्ट पार्ट है सोशल सिक्योरिटी मूवमेंट इन इंडिया, उसमें क्या है। द मॉडर्न फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन इज ऑफ रीसेंट ओरिजिन इन इंडिया। जो फैक्ट्री सिस्टम है वो रीसेंट ओरिजिन का है। अंटिल अर्ली 20s देयर वेर नो वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशंस ऑन ऑल इंडिया लेवल। अर्ली 20s में ऑल इंडिया लेवल पे कोई भी यहाँ पे वर्कर एसोसिएशंस नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली ब्रिटिश पीरियड में जो है वहाँ कोई भी इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करना पॉसिबल नहीं था। सो द ब्रिटिश गवर्नमेंट कंटिन्यूड विथ इट्स ट्रेडिशनल पॉलिसी ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। ऑब्वियसली ब्रिटिश गवर्नमेंट है, यहाँ पे कॉलोनियलाइजेशन हो रखा था, तो क्या होगा, एक्सप्लॉयटेशन होगा वर्कर्स का। एंड सम मेजर्स वेर एडॉप्टेड ओनली आफ्टर 1920 व्हेन अ लिटिल अवेकनिंग स्टार्टेड। लेकिन 1920s, यहाँ पे एक और चीज़ जो ध्यान देना है, 1914 से लेके 1918 में वर्ल्ड वॉर वन हुआ था, तो वर्ल्ड वॉर वन खत्म होने के बाद 1920 से थोड़ा बहुत यहाँ पे अवेकनिंग आने लगा। दस द स्टडी ऑफ सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया मे बी टेकन टू हैव स्टार्टेड फ्रॉम 1920s। तो यहाँ से ये आपका प्रोसेस शुरू हुआ, वर्ल्ड वॉर वन के बाद यहाँ पे थोड़ा सा जागरूकता आना, यहाँ पे इससे रिलेटेड अवेकनिंग होना शुरू हुआ, ठीक है। बहुत सारे 20s में बहुत सारे चीज़ हुए थे, जैसे कि 1929 में एबॉलिशन ऑफ सती वहाँ तक पहुँच गए थे, तो ये पूरा डेकेड में 1920s में बहुत सारा चीज़ यहाँ पे आने लगे थे। द प्री 1920 पीरियड कैन बी कॉल्ड एज द पीरियड ऑफ अनकंसर्न ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। एक और चीज़ हम यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं, 1909 1919, ये किस लिए इम्पॉर्टेंट है, मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स और हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से मॉन्टेग्यू चेल्म्सफोर्ड रिफॉर्म। तो इसको ध्यान में रखते हुए भी समझा जा सकता है कि क्यों 1920s से ये चीज़ें होने लगी थी। उसके बाद
लार्ज स्केल फैक्ट्रीज बिगिन टू डेवलप इन इंडिया फ्रॉम 1850. फॉर एग्जाम्पल 1853 में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे फिर से एक पूरा दौर चला था. हावेवर बाई 1881 द फैक्ट्री सिस्टम हैड क्लियरली इमर्ज इन इंडिया बट द वर्कर्स डिड नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्व साइमल्टेनियसली विद द इंडस्ट्रियलाइजेशन. द गवर्नमेंट ऑल्सो डिड नॉट शो एनी कंसर्न. क्यों? क्योंकि कॉलोनाइजेशन चल रहा था तो फिर कॉलोनीज में क्या ही कंसर्न वो दिखाएंगे. देयर फॉर दिस पीरियड कैन बी कॉल दिस अ पीरियड ऑफ अनकंसर्न इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन लेबर. अब यहाँ पे एक कोटेशन ध्यान में रखा जा सकता है. ए एन अग्रवाल क्या कहा? ए एन अग्रवाल राइटली कॉल्स इट द पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी इन सोशल इंश्योरेंस मूवमेंट इन इंडिया. तो इस पीरियड को ए एन अग्रवाल ने क्या कहा है? पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी कहा है इन सोशल इंश्योरेंस मूवमेंट इन इंडिया. अब आते हैं टुवर्ड्स कॉन्क्रीट एक्शन. अब कॉन्क्रीट पहला पार्ट क्या था कि मूवमेंट के बारे में, दूसरा पार्ट क्या है कि इसमें क्या क्या एक्शन लिया गया. नंबर वन ध्यान रखना है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इन 1919 एस्टैब्लिश हुआ. ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड द पब्लिक ओपिनियन इन फेवर ऑफ सोशल सिक्योरिटी मेजर्स फॉर वर्कर्स बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स टू सिक्योर यूनिवर्सल पीस बेस्ड ऑन सोशल जस्टिस. तो सबसे पहले हमने इससे पहले क्या देखा था? ESI देखा था. अब क्या देख रहे हैं? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1919, ठीक है, ILO. एक अगर हमने यूनाइटेड नेशंस अगर आपने पढ़ा है तो पहले लीग ऑफ नेशंस था और उसके बॉडीज क्या क्या थे, फिर यूनाइटेड नेशंस और उसके बॉडीज क्या क्या, उससे भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं. देयर was haphazard growth during 1921 to 1941. This period saw two enactments in the field of social security. अब ये बहुत important, two enactments इस period में क्या क्या हुआ? The Workmen's Compensation Act 1923, आज भी LLB में इसको पढ़ा जाता है, Workmen's Compensation Act 1923, and the various Maternity Benefits Act. मैटर्निटी बेनिफिट्स जो कि आज गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों में ही मिलता है, तो मैटर्निटी बेनिफिट्स एक्ट भी यहाँ से इसी दौरान इसी पीरियड में नजर आया. 1923 में क्या आया? वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एक्ट. दोबारा से देखते हैं, ESI के बारे में ध्यान रखना है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आ गया, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एक्ट आ गया 1923, मैटर्निटी बेनिफिट एक्ट आ गया, ठीक है. However, other contingencies of life like sickness, old age, unemployment, etc. were still unprotected. For example, unemployment, बहुत सारे schemes हैं मनरेगा वगैरह for unskilled labor. पर आज भी जैसे कुछ डेवलप कंट्रीज में अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता जैसा चीज रहता है, तो वो यहाँ पे अभी आपका नहीं आया है ना. There was conscious planning ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1942 to 1951. यहाँ पे कॉन्शियस प्लानिंग नजर आता है, देखने को मिलता है. और एक और चीज़ क्या यहाँ पे है, दिस पीरियड सॉ मैनी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट सोशल सिक्योरिटी के फील्ड में. आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर टू हुआ 1939 से लेके 1945 तक. हावेवर क्रिएटेड एक्यूट शॉर्टेज ऑफ मैन एंड मटेरियल. क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि सभी मैन जो है वो वॉर में लड़ाई करने चले गए थे. For this, a number of concessions were made to the working class under the क्या किसके अंदर डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स रूल 81A. तो एक और चीज यहाँ पे क्या आ गया, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स 81A, रूल 81A यहाँ पे आ गया. अब हम देखते हैं 1952 से 1957 के बीच, इस पीरियड को कहते हैं पीरियड ऑफ कॉन्क्रीट एक्शन. द फ्रेमवर्क फॉर सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशंस इन इंडिया. फर्दर फॉर द फर्स्ट टाइम एन इंटीग्रेटेड स्कीम कवरिंग वेरियस कॉन्टिजेंसीज ऑफ लाइफ लाइक एम्प्लॉयमेंट, इंज्यूरी, सिकनेस, मैटर्निटी एक्सेट्रा वॉज इम्प्लीमेंटेड ऑन कॉन्ट्रीब्यूटरी बेसिस में. इसको कॉन्ट्रीब्यूटरी मतलब फॉर एग्जाम्पल सभी लोग कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे, जिसको जरूरत हुआ उसको मिला, तो इसको भी हम कॉन्ट्रीब्यूटरी समझ सकते हैं. मोस्ट ऑफ द इंश्योरेंस आर बेसिकली कॉन्ट्रीब्यूटरी ओनली. कलेक्टिव रिस्क, अगर सब लोगों में से किसी एक को अगर दिक्कत हुआ तो सबका जो ये पैसा है, जिसको भी यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ उसको पैसा मिलेगा. सम स्टेट गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द स्कीम ऑफ ओल्ड एज पेंशन फॉर द ओल्ड एंड डेस्टिट्यूट इन देयर स्टेट्स. द विच वॉज द फर्स्ट स्टेट टू डू सो आंसर, द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट वॉज द फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट द ओल्ड एज पेंशन. ओके, आगे देखते हैं.
कंपल्सरी प्रोविडेंट फंड स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1952। तो आज भी सुना होगा पीएफ, जिसे कहते हैं पीएफ स्कीम। मतलब क्या होता है? प्रोविडेंट फंड स्कीम होता है, जिसको शॉर्ट में पीएफ कहा जाता है। ठीक है, प्रोविडेंट फंड स्कीम कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1952 को इन ऑल फैक्ट्रीज इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड। फर्दर सम स्टेप्स वेर टेकन टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट सर्टेन टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स। लास्टली द मेजर्स ऑफ रिलीफ वेर अंडरटेकन ऑन अ लार्ज स्केल टू कंट्रोल प्रोलिफरेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा स्कीम है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम। ठीक है, जो कि आपका ईएसआई है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम। दी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम, द कोल माइंस प्रोविडेंट फंड स्कीम एंड द बोनस स्कीम ऑर्डिनेंस विच वेर लेटरली रिप्लेस्ड बाय एन एक्ट एक्सेट्रा आर सम ऑफ द मेजर अचीवमेंट ऑफ दिस पीरियड। तो ये कुछ और स्कीम्स है जो इस पीरियड में आया। आफ्टर 1958 अटेम्प्ट्स वेर स्टेटेड फॉर द यूनिफिकेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ डिफरेंट सोशल सिक्योरिटी मेजर्स इंट्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। तो 1958 के बाद ये सारे जो स्कीम्स है उसको किस तरीके से अभी यूनिफाई किया जा सकता है और कंसोलिडेट किया जा सकता है, इसके ऊपर अब ध्यान आया। सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन इन इंडिया, क्या क्या इसको इससे रिलेटेड क्या क्या लेजिस्लेशन है। सोशल सिक्योरिटी इज कॉम्प्लेक्स बट कॉम्प्रीहेंसिव कॉन्सेप्ट एंड कैन बी इंस्टीट्यूशनलाइज थ्रू अ नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। कीपिंग इन व्यू द स्टेट ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड द आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट, क्या चाहिए? वेलफेयर स्टेट। द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी आर जनरली प्लेस्ड ऑन अ स्टेट्यूटरी फुटिंग। इन इंडिया अ नंबर ऑफ लेजिस्लेशन हैव बीन एनेक्टेड ऑफ विच द मेजर ऑब्जेक्ट ऑफ आवर स्टडी इज द एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952। सो विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड 1952, but the various other legislations are also there. At present, social security legislations in the country comprises of, अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं सीधे कि क्या क्या इसमें legislations है। Workmen Compensation Act 1923, Central and State Maternity Acts, Employee State Insurance Act 1948, Coal Mines Provident Fund Bonus Scheme Act 1948, Employment Provident Funds Act 1952, the major objectives in the form of specified risk and the laws under which they were covered are as the table given below. So now this table is very important. Risk covered under Social Security Acts in India. अब इस table को पूरे इस lesson का जो summary है वही है ये table. बेसिकली इसमें ये ध्यान रखना है कि डेथ के लिए क्या क्या है। अगर किसी का डेथ हो जाता है तो उसमें है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, डिजेबलमेंट अगर हो जाता है तब क्या होगा, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923 और एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। तो फिर यहाँ पे डेथ और डिजेबलमेंट के लिए सेम है, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923 एंड एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट ईएसआई 1948। अब आते हैं मैटरनिटी पे। मैटरनिटी पे क्या है, स्टेट मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है, सेंट्रल मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है 1961 और एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है 1948। अब आते हैं सिकनेस पे। सिकनेस में क्या है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 और ओल्ड एज में क्या क्या है, यहाँ पे कोल माइंस प्रोविडेंट फंड एंड बोनस स्कीम एक्ट 1948, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 और ओल्ड एज में असम टी प्लांटेशन प्रोविडेंट स्कीम एक्ट 1955, सीमेंस प्रोविडेंट फंड एक्ट 1966। तो ओल्ड एज में ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इसको, कोल माइंस, फिर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, असम टी प्लांटेशन प्रोविडेंट फंड एंड सीमेंस प्रोविडेंट फंड एक्ट। और फिर फ्यूनरल के लिए यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। ओके, तो ये लिस्ट, ये छह पॉइंट ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया इज येट टू हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी स्कीम, सो देयरफॉर मोर वर्क इज नीडेड टू बी डन इन दिस पर्टिकुलर डोमेन। तो ये कंक्लूजन की तरह यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। और यहाँ में से इस टेबल का एक स्क्रीनशॉट रख लेने से क्या है, दिस विल बी हेल्पफुल फॉर द रिवीजन पर्पस। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।